हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं चटपटा टेस्टी लाल मिर्च का अचार। तो आइए देखते हैं हम इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे लाल मिर्च साबुत, इसको पोंछ करके कपड़े से एक दिन की हम धूप दिखा लेंगे अच्छे से। इसको वॉश नहीं करना है, बस पोंछ लेंगे, नहीं तो इसके अंदर पानी चला जाएगा। फिर हम कुछ लेंगे मसाले, यह है सौंफ, मेथी दाना, अजवाइन, मैंगो पाउडर, पीली सरसों, मस्टर्ड येलो वाली, और कलौंजी, मगरेल, साबुत धनिया, नमक और हल्दी। ये सब हम अचार में यूज़ करेंगे मसाले को। तो हम सबसे पहले लेंगे 2 बड़ी चम्मच, ये है अजवाइन, और 1 चम्मच है मगरेला। इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, गैस को कम ही रखें। इन दोनों को साथ में ही रोस्ट करेंगे, तो हल्के हल्के चम्मच हिलाते रहें, आपका मसाला जलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम चला चला के गैस को कम ही रखेंगे और अपने मसाले को रोस्ट कर लेंगे हम। सभी मसालों को अलग अलग रोस्ट करेंगे, बस इसको हमने साथ में कर लिया है क्योंकि इसकी क्वांटिटी हम बहुत कम ही लेंगे। तो ये हमारा मसाला भुन गया है, इसको हम खाली कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे मेथी दाना, ये 1 चम्मच है, ये डोंगे वाली चम्मच है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये 1 चम्मच ही काफ़ी होगा। अगर टी स्पून है आपका छोटी चम्मच तो 2 चम्मच ले लीजिए। तो इसको भी हम अलग से रोस्ट कर लेंगे। और ये भी रोस्ट हो गई है, इसको खाली करेंगे। इसके बाद हम लेंगे अपनी सौंफ, ये 150 ग्राम सौंफ है, तो इसको भी हम भून लेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये भी भून जाएगा अच्छे से। ध्यान रखें गैस को तेज़ बिल्कुल ना करें। फिर हम लेंगे साबुत धनिया, इसको भी रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, और सभी मसालों को चला चला के अच्छे से भूनेंगे हम खुशबू आने तक। और फिर सबको ठंडा करके हम इसका पाउडर बना लेंगे अच्छे से मिक्सी में पीस करके। तो लगभग धनिया भी हमारा हो गया है, इसका कलर चेंज होने लगा है, तो अब ये धनिया भी हो गया हमारा। अभी सबको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने लाल मिर्च ले ली है, इसको इस तरह से हाथों पे रब करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से खाली कर लेंगे। सभी मिर्चों को खाली कर लेंगे अच्छे से, और इसके अंदर से जो भी ये बीज वगैरह निकलेगा इसको फेंकना नहीं है, इसको अलग प्लेट में रखेंगे हम, ये मसाले में ही यूज़ होगा। तो इस तरह से सारी मिर्चों को आप खाली कर लीजिए, और ये जो मिर्च के अंदर से निकला था इसको हल्का सा मिक्सी में हमने चला लिया है, और 1-2 घंटे की धूप इसको दिखा लीजिए। ये मस्टर्ड है, इसको हमने भूना नहीं है, पीली सरसों को उसका पाउडर बनाया है, और ये सभी भुने मसालों का पाउडर बनाया है। अब सबको मिक्स कर देंगे साथ में, और 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर डाला। फिर आमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर, इसको ऐड करेंगे 150 ग्राम। फिर नमक डालेंगे इसमें अच्छे से 1 कटोरी भर के, और मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, ये भी 1 कटोरी है, अच्छे से इस टाइप का दिखेगा, गीला हो जाएगा। फिर ये जो हमने बीज सुखाए थे इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छे से हाथों से मल लेंगे हम। अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे, बस ये मसाला हमारा तैयार है। उसके बाद हम इसको मिर्चों में भरेंगे, तो इसको एकदम अच्छे से अंदर तक जाना चाहिए, तो ये फिंगर से नहीं जाएगा। तो इस तरह की कोई भी आप स्टिक, सिलाई, लकड़ी कुछ भी लेकर के इसको ऐसे अंदर तक उसको उठा लीजिएगा। तो ये काफ़ी दिनों तक चलने वाला अचार है आपका। इसका मसाला एकदम अच्छे से टाइट करके रखना है, ये ध्यान रखिएगा आप।
तो ये मसाला हमारा भर के तैयार है, पूरा नीचे से ऊपर तक अच्छे से दबा दबा के हमने इस मसाले को स्टफ़ कर लिया है इसके अंदर, मिर्चों के अंदर। तो अभी ये मैं पूरा मिर्च लेके बैठ गई हूँ और इसको अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन इसको पूरा भरेंगे हम। तो इस तरह से टाइट करके सारे मिर्चों को भर लिया है हमने। अब हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल, जिसमें हम इसको डिप करेंगे। इसको गर्म नहीं करना है, कच्चा ही यूज़ करेंगे हम। तो ये मिर्च ले लें, इसको इस तरह से इसमें डिप करें, और किसी भी आप डब्बे जार में जिसमें भी रखना चाहते हैं इसको भर लीजिए आप। तो बस इसको डिप करेंगे और इस तरह से रख देंगे। बाकी बचा हुआ ऑयल चाहे तो आप इसमें ही ऐड कर दीजिए, या तो नहीं कीजिए, बस कुछ 4-5 दिनों की धूप दिखाएंगे। और ये आपका सुपर टेस्टी मिर्च का अचार बन के तैयार है। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।